वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस मरियम याकूब हूँ। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और आप साथ साथ उसे याद भी ज़रूर कर रहे होंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स, जो नाजरा आपको पढ़ाया जा रहा है उसे भी याद करें और रीडिंग्स और बुक वर्क को भी कंटिन्यू करें। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सबक नंबर 3, रसूल और नबी। सबक नंबर 3, रसूल और नबी, उसका हमने सवाल नंबर 1 और 2 करना है। साथ ही साथ हमने हदीस नंबर 3 भी करनी है। इससे पहले हमने हदीस नंबर 1 और 2 को कर लिया है। हमारा सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए किस को भेजा? अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए किस को भेजा? जिसका जवाब है, अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत और रहनुमाई, रहनुमाई यानी सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें सीधे राह पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए नबी और रसूल भेजे। हमारा सवाल नंबर 2 है, दुनिया में कितने नबी तशरीफ लाए? दुनिया में कितने नबी तशरीफ लाए? जिसका जवाब है, तकरीबन 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। तकरीबन 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। दुनिया में कितने नबी तशरीफ लाए? दुनिया में 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। ये थे स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमने आज 2 क्वेश्चंस किए हैं, कल हमने बकिया 2 सवाल करने हैं। हमारी हदीस नंबर 3, अस्सलातुन नूर, अस्सलातुन नूर, सलात कहते हैं नमाज को और नूर कहते हैं रोशनी को। अस्सलातुन नूर, नमाज रोशनी है, नमाज रोशनी है। अस्सलातुन नूर, नमाज रोशनी है। अस्सलातुन नूर, नमाज रोशनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी सॉल्व करना है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या इससे मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको फौरी दिया जाएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा सबक नंबर 3, रसूल और नबी का सवाल नंबर 3 और 4, और साथ में हमने सूरत फातिहा पढ़नी है। आपने नाजरा को रीडिंग को साथ साथ ज़रूर कंटिन्यू रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।